है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो, और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? अपने छोटे भाई की शैतानियों से तंग आकर उसे एक कनपुरिया ज्ञान देने के बाद आज हम निकल पड़े हैं अपनी बेवकूफ़ी का सबूत मिटाने। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने आईपैड का पासवर्ड भूल गई थी और उसमें मैंने रॉन्ग पासवर्ड बहुत बार डाल दिया, जिसकी वजह से एप्पल ने उसे ऑटो लॉक कर दिया। फिलहाल तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे भाई ने ये बहुत प्यार से मुझे गिफ्ट किया था। बहुत ट्राई करने के बाद जब हमसे ये नहीं हुआ तो हम इसे निकल पड़े रिपेयर कराने। हम पहुंचे थे आर्य नगर, वहाँ पर हमें कुछ ऐसी अतरंगी चीज दिखी, ऐसा सर ने मैंने पहली बार देखा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। डॉक्टर्स के सरनेम कुछ डिफरेंट ही होते हैं, आपने कभी नोटिस किया है? तो हम पहुंचे थे रेडियंस टावर, इस एप्पल रिपेयर शॉप पे, जहाँ पर हमें दिखाई इन्हें एप्पल वालों ने वाटर कूलर गिफ्ट किया हुआ है, और हम फोन भी खरीदते हैं तो चार्जर नहीं देते हैं ये। मैं इनके पास गई थी पासपोर्ट अनलॉक करवाने और ये मुझसे ही पूछ रहे थे कि पासपोर्ट क्या है। मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह का था, अरे मैं क्या बताऊं। चेक करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि 3-4 दिन के लिए उनके पास छोड़ना पड़ेगा, मुझे डर था कहीं ये पार्ट्स एक्सचेंज ना कर लें, और इनके प्राइस देखकर तो अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। तो गूगल बाबा की मदद से हम निकल पड़ते हैं दूसरे रिपेयर सेंटर की तलाश में, और हम पहुंच जाते हैं आर्य नगर की इस शॉप पर, जहां पर भैया ने सबसे पहले हमसे बिल मांगा, और बिल हमारे पास था नहीं क्योंकि भैया ने ये आईपैड अनदर कंट्री से परचेज किया था। आगे शॉप पर कुछ ये लगा हुआ था, लिखा था कस्टमर इज किंग एंड किंग नेवर बार्गेन्स। ये अच्छा तरीका है कस्टमर को मैनिपुलेट करने का। फिर भी मैंने बोला मैं तो क्वीन हूँ, मैं तो बार्गेन करूंगी। भैया ने 15 मिनट के अंदर आईपैड अनलॉक करके मेरे हाथों में दे दिया। मैं इतना खुश हो गई थी, मेरा मन कर रहा था डांस करने का। जब हम वहाँ से निकले तो रास्ता में होने लगी थी बारिश, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया और इसके बीच अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। फिर भी हम पहुँच जाते हैं अंकल की शॉप पर, जो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सी भेलपुरी। नहीं, भेलपुरी तो नहीं कह सकती क्योंकि भेलपुरी थोड़ी सी स्टिकी होती है और अंकल जो बनाते हैं वो ड्राई होते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। और यही बात करते करते मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गई। सो हे गाइस, आई एम सबा एंड यू आर वॉचिंग सबा स्टाइल ब्लॉग्स। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अंकल भून रखी थी क्या पहले से? तो अंकल ने एक लोहे की कढ़ाई पे नमक को काफी गर्म किया हुआ है और उसमें कच्ची मूंगफली के दाने और फूला हुआ मटर डालकर उसको भूनते हैं, और साथ में कई और सारी चीजें मिक्स करते जाते हैं कई तरह की। ये क्या है? कॉर्नफ्लेक्स है। अंकल ने इसमें और भी तरह की नमकीन मिलाई थी। यार अंकल सच में बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनका एक हाथ ये कंटिन्यू चलता रहता है और वो बहुत तेज आंच के सामने पूरा टाइम खड़े होकर काम करते हैं। ये भून के निकाल लिया, छान के अंकल के जैसे लोगों को देख कर एहसास होता है कि यार एक पिता ही होता है जो अपने बच्चे को पालने के लिए दिन भर खुद को आंच में जलाता है, फिर भी अपने बच्चों से जब शाम को मिलते हैं ना तो एक स्माइल के साथ ही मिलते हैं। मैं दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ अंकल के जैसे लोगों की, और मैं थोड़ा सा सेंटी हो गई। सो गाइज, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और मुझे इस टाइम आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। सो अंकल ने उसमें प्याज, नींबू, मिर्चा और थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और टैंगी सा फ्लेवर बना दिया। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ज़रूर ट्राई करें अगर इस साइड आएँ। हाँ, पीस की कितनी देते हैं अंकल तौल के? 150 ग्राम। धन्यवाद अंकल। सो गाइज, अंकल की जो शॉप है वो यूपी के कानपुर में गीता नगर क्रॉसिंग के पास में है। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। If you guys have any suggestion for improvement of my content, please share with me on the comment section. And thanks for watching and subscribe for more. Milte hain next video mein. Till then, take care. Allah Hafiz.